हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और सुबह के बजे हैं 11:15 और मेरा सारा काम हो गया। आज मैं थोड़ी लेट हो गई। और आप सभी को हैप्पी नवरात्रे। और आज है नवरात्रे का सबसे पहला दिन, तो मैंने भी फास्ट रखा है, इन्होंने रखा है, मम्मी ने रखा है, और किसी ने नहीं रखा क्योंकि दीप्ति को भी स्कूल जाना होता है और दिव्यांशी को कॉलेज जाना होता है। तो दिव्यांशी, दीप्ति ने भी नहीं रखा और दशी जी तो रखते ही नहीं है। दशी तो बहुत अच्छी तरह से रख लेता है अगर स्कूल नहीं जाना तो, क्योंकि उसको फ्रेंच फ्राइज इतने पसंद है ना, बस फ्रेंच फ्राइज के चक्कर में वो फास्ट भी रख लेता। तो बस दोनों बच्चे स्कूल गए हैं और दिव्यांशी की आज छुट्टी है, तो दिव्यांशी अपना काम कर रही है। और मैंने, मम्मी ने, इन्होंने रखा है, तो हमारा सबने, हमने आलू तल के खा लिए थे और एक दो पापड़ ले लिए थे, तो हमारा नाश्ता हो गया है। और सुबह बड़ी भागम भाग सी हो गई क्योंकि मैं पहले दिन ही तैयारी कर लेती हूँ, चटनी वगैरह सब पहले दिन ही पीस लेती हूँ क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है और हमें भी पसंद है। तो चटनी फिर मैंने मॉर्निंग में पीसी। तो मतलब कई काम ऐसे थे जो मुझे कल करने चाहिए थे, लेकिन मैं कल गुड़गांव शीतला माता के मंदिर चली गई तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन सब काम हो गया है, सारा काम निपट गया मेरा। बर्तन वाली अभी बर्तन मांज रही है और मैं आ गई हूँ अब नीचे, क्योंकि नीचे मुझे प्रेस वगैरह भी करनी थी। और कपड़े मैं ऊपर सुखा कर आ गई हूँ क्योंकि देखिए ऊपर धूप में अच्छी तरह से सूख जाते हैं, और जैसे टॉवल वगैरह होते हैं सब, मतलब उनको पोंछते हैं ना तो सारी स्मेल वगैरह मतलब अच्छी तरह से धूप में अच्छी तरह से निकल जाती है। और धूप में सुखाओ कपड़े तो वैसे भी सही रहते हैं। 3 दिन तो बुरा हाल हो गया बारिश की वजह से ना, मतलब ऐसा लग रहा था बारिश कब बंद हो कब बंद हो, क्योंकि 3 दिन लगातार बारिश पड़ी है। तो कपड़े भी सुखा कर आ गई हूँ, सारा काम वैसे भी हो गया है। और टेबल वगैरह लगा के मैंने बढ़िया सा कपड़ा लेकर आई थी खरीद के, लाल रंग का, और किनारे पर गोल्डन कलर का गोटा लगा हुआ, इतना सुंदर कपड़ा है ना, मैं आपको दिखाऊंगी। तो बड़े भी थे छोटे भी थे, तो मैं सोची थी बड़ा मिलेगा नहीं, लेकिन बड़ा कपड़ा मिल गया है। और मैंने चौकी पर बिछाया है, उस पर देवी जी को बिठाया है, कलश की स्थापना की है, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और आज के दिन हमारे यहाँ जो भी लगाए जाते हैं, क्योंकि दशहरे पर फिर वही जो भाइयों के कानों पर रखे जाते हैं, तो जो वगैरह सब कुछ कर दिए हैं इन्होंने, मतलब सारा काम हो गया कम्प्लीट। सफाई वाली भी आ गई है, देखना जरा, तो सफाई वाले का टाइम भी हमारा यही है, 11:15, वो भी आ गई हैं। बस काम सब हो गया है। और दोपहर के लिए मैंने आलू उबाल दिए हैं अपने लिए, और इनके लिए बनाऊंगी साबूदाने की खिचड़ी, और मम्मी खाएंगी पकौड़ी, कूटू की पकौड़ी। तो मतलब ऐसा हो गया, बस मेरे को मखाने की खीर बनानी है। तो मैंने कहा ये लोग सब काम करके चली जाएँ, तो 12 बजे फिर दोबारा जाऊँगी फिर मखाने की खीर बना लूँगी। और यहाँ पर मैं ले आई हूँ पूजा का सामान, क्योंकि मतलब सुबह सुबह तैयारी करनी होती है ना, तो उस समय तो लगता है फटाफट से सारा सामान निकालो, जैसे पूजा के लिए कपूर चाहिए होता है, लौंग चाहिए होती है, जोत चाहिए होती है, और गूगल चाहिए होता है, कमल कट्टे चाहिए होते हैं। तो फिर मैंने एक थैली बना रखी थी, शुरू शुरू में बस इतना ही सामान था, और धीरे धीरे करके इतना सामान भर गया, थैली इतनी बड़ी हो गई। सामान तो है ही, थैली भी मतलब पूरी थैली भर गई है एक्स्ट्रा सामान से। तो मैं अब थैली नीचे लेकर आ गई हूँ क्योंकि ऊपर सफाई करेंगी वो, तो मैंने कहा थैली नीचे ले चलते हैं और आराम से इसमें सारा सामान अब सेट करूँगी, जो एक्स्ट्रा सामान है सब फेंक दूँगी उसको। तो देखिए मैं इस थैली लेकर आ गई नीचे, देखिए थैली लेकर आ गई। मैं थैली में बिल्कुल थोड़ा सा सामान था, पहले मैंने अपना पूजा का सामान ही इसमें रख रखा था, जिससे नवरात्रों में फटाफट से सामान निकल जाए, क्योंकि सुबह देखे बच्चे भी जाते हैं ना, सुबह जल्दी होती है और मुझे पूजा की तैयारी भी करनी होती है, तो मैं फटाफट निकाली थी। लेकिन धीरे धीरे करके इसमें इतना सामान हो गया है कि मतलब अब याद भी नहीं है मुझे। तो ये देखिए जोत की थैली है, ये जोत मैं ये वाली जोत लेकर आती हूँ, छोटी छोटी जोत होती है ना ये वाली, एक तो बहुत बड़ी आती हैं, वो बहुत तेज़ से आँख से पकड़ लेती हैं, तो ये छोटी छोटी लेकर आती है। इससे छोटी भी आती है लेकिन वो ना मतलब वो लुढ़क जाती थी, उसमें दीपक में रखो वो एकदम से गिर जाती थी। तो मैं इस साइज़ की जोत लाती हूँ, ये पूरा पैकेट है, 3-4 पैकेट लाई थी, बिल्कुल बचा है, तो मैं कि नवरात्रों के बाद ही लाएंगे अभी सब चीज़ें ना। और इधर मैं जी अपना काम कर रही हैं, फोन लेकर काम हो रहा है इनका। कल भी मैं एक्स्ट्रा ले आई थे, ये कपूर की डिब्बी पहले से थी, ये बड़ी डिब्बी लाती हूँ मैं हमेशा सरस्वती जी की, तो हाँ कल लेकर आई थी कपूर, ये ना पैक हो रही है, ये देखो ये पैक हो रही है, ये कपूर ले आई थी। और ये पता नहीं भगवान जी कपड़े जो एक्स्ट्रा है ना सबको सिला देंगे। और ये मैं कलावा भी पहले का रखा है, अच्छा हुआ कलावा नहीं लाई कल, मैं दिव्यांशी से कल कह रही थी दिव्यांशी कलावा ले लेते हैं, देखिए कलावा का मैं पूरा बड़ा बंडल लाती हूँ तो वो रखा हुआ है। और देखिए ये है लौंग, लौंग का पैकेट भी ले आई मैं कल, लौकी लौंग की रखी थी मेरे को ना, ये रहता है कि मतलब मैंने कल चेक नहीं किया, मैं बता रही ना कल गुड़गांव शीतला माता के मंदिर चली गई और मैंने चेक नहीं किया सामान, तो कोई बात नहीं ये तो काम आ जाएगी, कोई चीज़ ख़राब होने वाली। तो ये सारी फूल वाली लौंग है, ये देखिए सब चीज़ मतलब सारी बड़ी बड़ी और मोटी मोटी लौंग है, फूल वाली लौंग है, क्योंकि सुबह जब लगाई जाती है तो मतलब उसमें फूल वाली लौंग ही डाली जाती है। और ये हैं हमारे, ये सब सामान कल लेकर आई हूँ मैं, जैसे लौंग का पैकेट भी कल लेकर आई हूँ, और ये कपूर की डिब्बी भी नई कल लेकर आई हूँ, और ये हैं हमारे कमल गट्टे।
ये कमल गट्टे हैं छोटे छोटे से, 100 ग्राम लेकर आएंगे। और नहीं हाँ जो जोत तो ये देखो ये वाली जोत है छोटी छोटी सी, ये मैं छोटी छोटी ज़्यादा ले आई हूँ इनको, मतलब जब से जैसे मैं दीपक में इनको रखना होता है ना तो थोड़ा सा फैला के रखना पड़ता है क्योंकि ये छोटी है ना तो गिर जाती हैं। ये लंबी बत्तियाँ मैं पिछले साल लाई थी, अब दिवाली पर ये काम आ जाएंगी, तो सामान मतलब एक्स्ट्रा ही हो गया बहुत सारा। ये देखिए ये वाला कलावा है, पहले मैं ये वाला कलावा लाती थी, अब मैं ये बंडल लाती हूँ पूरा। और ये भी है, देखिए कितना सारे कलावे हो गए हमारे पास। अच्छा हुआ यहाँ से कल कलावा नहीं लेकर आई मैं। ये देखिए एक कलावा ये रहा ये पैक हो रहा है, ये मंदिर में चाहिए होता है ना मुझे, शिव जी पार्वती जी का पूरा वो बंधन करती हूँ तब चाहिए होता है, मंदिर भी नहीं जा पा रही मैं तो। ये कलावे हमारे, और देखिए सामान कितना एक्स्ट्रा हो गया है इसमें। ये हमारी देखिए जैसे मुझे सुबह सुबह जब पूजा करनी होती है, एक तो क्या कहते हैं कुमकुम चाहिए होता है मुझे, और एक कपूर चाहिए होता है, जोत चाहिए होती है, कमल गट्टे चाहिए होते हैं, और गूगल चाहिए होता है, तो और लौंग चाहिए होती है। तो ये सामान चाहिए बस मुझे एक थैली में, और धूप बत्ती। तो देखिए ये वाली डिब्बियाँ ना ये खाली हो जाती हैं जब ये कपूर की, तो मैं इसमें सामान रख देती हूँ। अब इसमें ही मैं लौंग खाली कर दूँगी। ये लौंग देखो ये रही, पूजा की सारी थैली मैंने बिल्कुल सेट कर दी। और अब आ गई मैं किचन में, किचन में क्योंकि मुझे बनानी थी मखाने की खीर, तो मैंने कहा चलो खीर बना लेते हैं नहीं तो देर हो जाएगी, बच्चों का आने का टाइम होने वाला है, 1 बज गया है। और इधर देखिए मैंने कुकर रख दिया है, और कुकर में अब डालेंगे हम दूध। समा के चावल की मुझे कम पसंद है, तो मखाने की खीर मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो मखाने की बना लेते हैं। और समा के चावल है भी नहीं, और मखाने मेरे पास रखे हुए हैं, तो आपकी बार मैं ये लेकर आई थी मार्केट से। तो यह है शाही मखाना खीर का पैकेट है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है आधी किलो दूध में बनाने, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, आधी किलो दूध में बना के देख लेते हैं। और इधर मैंने दूध डाल दिया, वैसे अंदाज से डाल दिया। अब ये पूरा पैकेट मैं अभी इसको यही पढ़ी थी किस तरह से बनाना है, तो पूरा पैकेट डाल देना है इसमें। और उसमें देखिए क्या क्या, शुगर है, मिल्क सॉलिड है, और समक राइस है, और फूल मखाना है, ग्रीन इलायची, पिस्ता, बादाम, गिरी और किशमिश है, मतलब इतनी सारी चीज़ें। देखते हैं कैसे बनता है। इसमें लिखा तो ये भी हुआ है कि इसमें शुगर भी पड़ी हुई है। और कल मार्केट से मैं ये साबूदाने का पैकेट भी लाई थी, और इससे पहले से मैंने साबूदाना अपने लिए और इनके लिए पहले ही रखा है। ये फूल गया अच्छी तरह से, ये देखिए दबाने से धागा दब रहा है आराम से, तो मैं इसको भी पसा दूँगी, इसका पानी निकल जाएगा। और इधर मैंने आलू भी बॉयल कर लिए हैं सारे, तो चलिए पहले इसमें डाल देते हैं इस पैकेट को। लिखा तो इसमें यह है कि केवल 5 मिनट, देखिए लिखा है केवल 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। आज पहली बार लेके आए तो बनाकर देख लेते हैं। ये देखिए ज़्यादा मतलब बन गई है, और वो पैकेट तो बिल्कुल बेकार था, बिल्कुल जरा से मखाने ऊपर ही ऊपर थे, और अंदर जरा बिल्कुल थोड़ा सा मिक्सचर था, तो उसमें तो हमारा काम ही नहीं चलता। तो मैंने मखाने पीस के मिक्सी में, और वो भी डाल दिया इसमें, और देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी बनेगी भी खीर। देखिए बस अभी 5-10 मिनट में बन जाएगी इतनी देर में, तो मैंने कहा चलो इतनी देर में मैं आलू छील लेती हूँ, इतनी देर में हमारी खीर पकने वाली है। तो अभी मैं सोची गैस बंद कर दूँ, क्योंकि ये बंद होने के बाद अच्छी तरह से हो जाएगी। देखिए कितना गाढ़ा बना गया इसमें, बहुत गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। फिर मैं इसमें और भी दूध डाल दूँगी, क्योंकि गाढ़ी हो जाएगी, और दूध डाल दूँगी, और इसको निकालने के बाद फिर चीनी डाल दूँगी, क्योंकि इनके लिए निकालूँगी पहले। और चीनी भी पता नहीं है ना, उसमें लिखा तो हुआ पैकेट में, लेकिन बहुत नाम की चीनी होगी, तो पहले इनके लिए निकाल दूँगी बिना चीनी की। और गाढ़ी हो गई, पहले मैं इसको बंद कर देती हूँ, और इसको ढककर रख देती हूँ। इतनी देर में मैं आलू छील लेती हूँ, क्योंकि मुझे साबूदाना भी बनाना है। ये देखिए हमारा दर्श बैठा हुआ है कैमल पर, मजा आ रहा है दर्शो, 30 रुपीज़ खर्च करके, 30 रुपीज़ में एक कैमल राइडिंग हो रही है इसकी। खाना पीना हो गया सब व्रत का, बच्चे भी स्कूल से आ गए, तो मैंने बच्चों के बनाए थे गोभी के परांठे, तो बच्चों ने गोभी के परांठे खा लिए, दिव्यांशी, दीप्ति और दर्शित तीनों ने, मैंने बाल ऐसे बांध लिया, तो तीनों बच्चों ने अपने खाना पीना खा लिया है। और दर्शित कर रहा है कैमल राइडिंग, तो कैमल पर घूम रहा है दर्शित, एक मतलब गली का एक चक्कर ऐसे जाना और ऐसे जाना, तो उसके 30 रुपीज़ हैं, और दर्शित जी घूम रहे हैं। हमारी शाम की जोत भी हो गई है, अभी अभी सब लोग जोत करके उठे हैं, और देखिए आप हमारी देवी माँ के दर्शन भी कर लीजिए। हे माँ आप अपना आशीर्वाद सबको दो, देखिए आशीर्वाद दे रही हैं देवी मैया, सबको आशीर्वाद दे रही हैं अपना। और इधर हमारा नारियल रखा हुआ है, इधर हमारे जो सुबह सुबह लौंग वगैरह करा चढ़ाते हैं, और उधर हमारी डायरी रखी हुई है पूजा की। तो ये मैंने देखी पूरी बड़ी टेबल लगा ली है यहाँ पर, तो टेबल पर ये लाल रंग का कपड़ा बिछाया है, और देखिए कितना सुंदर गोटा लगा हुआ है ना इस पर, ये वेलवेट का कपड़ा है, ये वेलवेट का बहुत प्यारा सा कपड़ा है, ये
जब हो जाएगी नवरात्रों की पूरी, तो उसके बाद में इसको हाथ से आराम से धोना पड़ेगा। ये मेरा मतलब इतनी बड़ी टेबल के लिए कपड़ा लाने का बहुत मन था, तो छोटा भी था, बीच का साइज़ भी था और ये साइज़ भी था, मतलब हर तरह के साइज़ का कपड़ा था। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है ना इस कपड़े को लगाकर कि मतलब बिल्कुल बढ़िया साइज़ आया इस पर। और मेरी पूरी टेबल, पहले मैं छोटी चौकी रखती थी तो छोटी चौकी पर ये सब सामान नहीं आता था, फिर मुझे उठा उठा कर रखना पड़ता था। अब मेरी इतनी बड़ी टेबल है, ये पूरी टेबल पर पूरा अच्छे तरह से सामान आ जाता है। हमारी देवी जी भी आ जाती हैं और देखिए पूरी जोत का सामान, नारियल वगैरह है, जोत है, यहाँ पे बहुत सारे फूल वगैरह सब रखते हैं। अब ये सारा सामान मैं रात को फूल वगैरह सब यहाँ से हटा के यहाँ से साफ़ कर दूँगी और सुबह यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा के जब हम पूजा करते हैं तो यहाँ से रात को सोते हैं से पहले पूरा क्लीन करके सोऊंगी यहाँ से, क्योंकि अभी जोत जल रही है अभी हमारे यहाँ पर। ये माला वगैरह सब हटा दूँगी रात को, क्योंकि चूहे वगैरह का डर लगता है क्योंकि। तो चलिए अब मैं अपने घर की पूजा भी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी देवी जी की पूजा करी थी और अब कर लेती हूँ मैं अपने घर के मंदिर की पूजा। देखिए यहाँ पे मैंने जोत बना के रख ली है और हम करेंगे अब अपने घर के मंदिर की पूजा, क्योंकि हमारा मंदिर छोटा है ना तो यहाँ पर नहीं कर सकते हैं हम लोग पूजा, मतलब नवरात्रों में, क्योंकि ये स्टैंड वाला है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर खड़े होकर पूजा करनी होती है, तो इसलिए यहाँ पर हमने इस जगह पर अपनी जोत लगा दी है। दशी जी कर रहे हैं यहाँ पर पढ़ाई, हमारे दशी जी, और इधर दीप्ति सो रही है और दयांशी ऊपर पढ़ाई कर रही है अपनी। अब पिक्चर नहीं देखती, मैंने कहा चलो चला लो पिक्चर लगाई भाई, क्या पिक्चर, मेरे को ना ऐसी ऐसी पिक्चर अच्छी नहीं लगती मेरे को, देशभक्ति की या अपने मतलब कंट्री से रिलेटेड कोई भी वैसी चीज़ हो ना, वो वाली पिक्चर बहुत अच्छी लगती है, जब पुरानी पिक्चर अच्छी लगती है। तो उसने वो लगवाई थी वर्ल्ड कप जब जीता था हम लोगों ने, तो वो वाली पिक्चर भाई क्या बढ़िया पिक्चर है, इतनी बढ़िया पिक्चर, मेरा तो बिल्कुल मतलब पूरी पिक्चर देख ली आज मैंने। फिर दोपहर को खाने का टाइम हो गया तो इतने देर में हमने बंद कर दी, फिर आके भी दोबारा स्टार्ट करके फिर देखी पूरी पिक्चर, मतलब बहुत अच्छी पिक्चर है, मेरे को तो बहुत ही अच्छी लगी, मुझे ऐसी पिक्चर ही बहुत अच्छी लगती हैं, है ना दर्शित। बस आज सारा काम गड़बड़ हो गया है, अभी मैंने प्रेस भी नहीं करी, कपड़े तो ले आए हैं छत से लेकिन प्रेस नहीं करी है। दोपहर का खाना बनाने के बाद आ गई थी मैं, आधा घंटा की पिक्चर आ गई थी, तो मैंने कहा चलो खाना बना के फिर देख लेंगे, तो अभी कम्प्लीट हुई है पिक्चर। और तो मैंने कहा दर्शित को पढ़ा लेते हैं, क्योंकि दर्शित को केवल आइटम वर्क कर लो बस हो गया जी मेरा काम, तो मेरे को इसको लर्न कराना है साइंस का, और शायद इनकी दो दिन बाद छुट्टियां भी हो जाएंगी, तो कह रहे मम्मी हॉलीडे होमवर्क बहुत सारा मिलेगा। अरे मैंने कभी तो छुट्टियां भी नहीं हुई, हॉलीडे होमवर्क तो बाद की बात है, क्योंकि इनकी स्कूल में रामलीला होती है तो इसलिए इनके बच्चों की नवरात्रों में छुट्टियां हो जाती हैं। अब दशहरे के बाद ही खुलेंगे इनके स्कूल, मतलब दशहरों की छुट्टी हो जाएगी। हाँ, अभी तो कल भी जाना है, देखते हैं कब से छुट्टियाँ शुरू होंगी। परसों से बोला मैडम ने, कल हॉलीडे होमवर्क। चलो ठीक है, अब तो लर्न करो, बस यही है। और आज मैंने दोपहर को बनाया था लंच में कचालू, बहुत दिनों बाद लेके आई कचालू, कचालू बहुत बढ़िया लगे कचालू। उसमें ये होता है कि कचालू को उबाल लो, काट काट के उबाल लो और उसकी चटनी बना लो, जैसे हरे धनिया की बनाते हैं ना ऐसे बनाते हैं, लेकिन इसमें सूखे धनिया की बनाते हैं, इसमें हरा धनिया नहीं डालते। और मैंने हरी मिर्च ज़्यादा डाली थी तो चटपटी से इसकी चटनी बनाई थी, खाने में बहुत स्वाद लगे, हम बच्चों को भी बहुत अच्छे लगे। हाँ बोलो, नहीं पूरा सुनूंगी, बस यही है। दर्शी जी को हम पढ़ा लेते हैं तो थोड़ी देर में आपसे बात भी करते हैं, और आज एक चैलेंज है उसको मिस मत करना।